खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद यूपी की राजनीति फिर गर्मा गई है। स्मृति के करीबी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह के बेटे ने कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का शक जताया है। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई हैं। अब तक 7 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सुरेंद्र सिंह के गांव में तनाव है, वहां पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी जा रही हैं, दोपहर 2 बजे तक पहुंचेंगी और पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार कांग्रेस समर्थकों पर शक जता रहा है। सवाल यह है कि आखिर पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह को किसने मारा? दिन में स्मृति ईरानी की जीत का जश्न मनाया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मंच पर स्मृति ईरानी के साथ वो नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के करीबी थे और उनकी हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। और आपको बता दें, अमेठी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। बेटे को कांग्रेस समर्थकों पर शक है, बड़ी खबर आपको बता दें। इस हत्याकांड में मृतक के बेटे ने कांग्रेस समर्थकों पर शक जताया है। पुलिस की 3 टीमें जांच में लगी हुई हैं और अब तक 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अमेठी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिवार वालों ने, उनके बेटे ने कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का शक जताया है। स्मृति ईरानी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमेठी के लिए रवाना हो चुकी हैं। दोपहर करीब 2 बजे वो पहुंचेंगी। उनके करीबी सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बड़ी खबर यह है कि परिवार को, उनके बेटों को कांग्रेस समर्थकों पर शक है। शाम को मिली, कल शाम को हम लोग बारात गए थे, मैं और पापा। गाड़ी में ड्राइव कर रहा था, पापा को ले गया था निमंत्रण में, 2-3 निमंत्रण थे। तो लास्ट में हम लोग बारात किए, बारात करने के बाद हम लोग आए घर। घर आने के बाद सब लोग जो है अपने अपने बिस्तर पे लेट गए। 11 बजे करीब अचानक से फायरिंग की आवाज़ आई, तो उनके बगल में मेरे मामा का लड़का लेटा हुआ था। जब वो जगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब उसने देखा तो सामने एक पंचर की दुकान थी, तो उसको लगा शायद टायर फटा होगा। लेकिन फिर लेटा तो साइड में देखा तो पिताजी गिर पड़े नीचे और काफ़ी ब्लड बहने लगा। तब वो दौड़ के आया मेरे रूम में, मुझको जगाया। मैं जब आया तो मुझे देखकर समझने में देर नहीं लगी कि कोई दुर्घटना घट गई है। जब मैं जाकर देखा तो काफ़ी ब्लड बह रहा था और गोली का यहाँ पे वो था कि किसी ने गोली मारी है सर में। फिर मैं तुरंत गमछा लेकर आया, उनके सर में खींच के बांध दिया। उसके बाद उनको अपनी गाड़ी में बैठा के लेकर आया जायस में कोई डॉक्टर नहीं था, तो फिर सीधा रावली जिला अस्पताल लेकर आया। तो वहाँ पे उन लोगों ने अपना फर्स्ट एड करके ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। यहाँ ट्रामा सेंटर पे आए तो इन लोगों ने बता दिया कि डेड है। तो अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं यहाँ पे। आप लोग को शक है किसी पे इस मामले में? शक क्या, अब लोकसभा का चुनाव था, पिताजी हमारे स्मृति ईरानी जी के काफ़ी करीबी थे, बहुत अच्छे लीडर हैं वो बीजेपी के। जहाँ रहते थे, जहाँ भी प्रचार करते थे, पूरे चुनाव में वो घर सिर्फ खाना खाने के लिए आते थे, बाकी 24 घंटे क्षेत्र में ही रहते थे। पूरा दिन खुल के प्रचार करते थे, ये नेक निर्भीक होकर एकदम किसी डरते नहीं थे, एकदम खुल के प्रचार करते थे। तो राहुल गांधी के हारने के बाद जब स्मृति ईरानी जी सांसद बनी तो हर जगह जश्न मनाया जा रहा था। चूँकि हमारा गांव सांसद आदर्श ग्राम है, तो हम लोगों ने भी जश्न का एक प्रोग्राम रखा, उसमें विजय यात्रा निकाली गई। उसके बाद हमको लगता है कुछ कांग्रेसी समर्थक जो हमारे यहाँ राजक तत्व हैं, उनको ये जश्न अच्छा नहीं लगा, उनके अंदर खुन्नस हो गई। फिर कल रात में ये दुर्घटना हो गई। तो कुछ लोगों के ऊपर शक है, अब यहाँ से जाएंगे हम लोग तो पुलिस कार्रवाई होगी, उसमें देखा जाएगा क्या कैसे। अभी किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या किसी और ने आप लोगों को उल्टा सीधा तो नहीं बोला था? उल्टा सीधा दरअसल जहाँ पे ये घटना हुई चौराहा है, तो वहाँ पे हर पार्टी के समर्थक चाय पीने वगैरह बैठते हैं, तो नोकझोंक होती रहती है वहाँ पे। तो बाकी ऐसी कोई और दुश्मनी नहीं थी हमारी, बहुत मिलनसार व्यक्ति थे पिताजी हमारे। कोई गाली भी दे देता था तो वो सुन के टाल दिया करते थे, क्योंकि उसी का वो है परिणाम कि वो तीसरा पंचवर्षीय प्रधानी का आज तक जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया उन्होंने, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं। तो सुरेंद्र सिंह के बेटे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का वो शक जता रहे थे। अमेठी में मारे गए पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह के भाई धीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। कहीं से आए निमंत्रण वगैरह से, और उसके बाद खाना वाना खाए, खा के लेके
और देखने के बाद जब कोई 11:30 बजे तकरीबन शायद आंख लग गई होगी तब किसी ने गोली मारी। यहाँ बल्कि कुछ लोग ट्राली भी बना रहे थे पंचर, और फिर फोन गया तो हम लोग घर से आए, दौड़ के 3 किलोमीटर घर है। तब तक हमारा भतीजा और एक साले का लड़का सब लेके उनको जा चुके थे अस्पताल। अब पुरानी रंजिश क्या बताएं, इसमें चुनावी रंजिश हो सकती है। अभी परसों जो है जुलूस वलूस निकाले थे और लड्डू वड्डू बटा था खूब। यूपी पुलिस का कहना है कि पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। 12 घंटे के अंदर ये खुलासा कर दिया जाएगा कि हत्या के पीछे किसका हाथ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी हत्याकांड पर यूपी के डीजीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। कौन इसके पीछे है, इस हत्या के पीछे किसका हाथ है, 12 घंटे के भीतर इसका खुलासा कर दिया जाएगा। हम सारे एंगल्स को देख रहे हैं, हमें कुछ पुरानी रंजिशों का भी पता चला है, राजनीतिक विवाद अगर कोई हो तो उसका भी हम पता लगा रहे हैं, और हमारी टीम्स लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंटेंसिव तरीके से चल रहा है। अभी तक हमने 7 व्यक्तियों को हिरासत में ले रखा है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के द्वारा हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। मुझे आशा है कि अगले 12 घंटे में हम इसका पर्दाफाश कर देंगे। मैं समझता हूं कि अगले 12 घंटे में हम पता लगा लेंगे कि इस हत्या का क्या कारण है। जैसा मैंने पहले कहा कि कई सारे एंगल्स को हम देख रहे हैं और सारे एंगल्स को देखने के बाद ही हम एविडेंस को देखते हुए हम फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये मैं यहाँ बता दूं कि हमने 3 टीम्स को स्पेशली इसके लिए लगाया है और कुछ जो हमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं उसमें और भी गिरफ्तारियाँ की संभावना है, और उनके लिए उन टीम्स को हमने जनपद के कई जगहों पर भेजा है। सीधा रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, मृतक के बेटे कांग्रेस समर्थकों पर हत्या का शक जता रहे हैं और क्या पता चल पाया है? जी देखिए, बेटे ने अभी शक जताया है और ये कहा है कि ये चुनावी कारणों से हत्या हुई है। जिस तरीके से कल जश्न हुआ था और जश्न के बाद देर रात ये हत्या हुई है, तो उसको लेकर बेटे ने परिवार ने शक जताया है, भाई ने भी सवाल उठाए हैं, और ये वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से सीबी रानी के साथ लगातार वो टीम को साथ लेकर घूम रही थी, और उसके बाद जब स्मृति चुनाव जीत गई तो वो जश्न मना रहे थे, और जश्न की रात में ही जिस तरह से हत्या हुई है तो परिवार का शक एक तरफ है, लेकिन पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है क्योंकि पॉलिटिकल मामला हो चुका है, इसमें सीधे सीधे अपराध के साथ साथ एक राजनीति से जुड़ा मुद्दा भी है, तो पुलिस बहुत गंभीरता से और बहुत बचकर इस मामले में तफ्तीश कर रही है। डीजीपी का बयान आया है, लगातार डीजीपी ऑफिस पूरे मामले का संज्ञान ले रहा है, वो मॉनिटरिंग कर रहा है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, और करीब 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और उम्मीद है कि शाम होने तक कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होंगी और पता चल पाएगा कि आखिर ये जो हत्या है ये एक राजनीतिक हत्या है या हत्या हुई है पूरे मामले में। जी रणवीर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप मैं चाहूंगी कहीं और जाएं जहां पर नेटवर्क थोड़ा साफ है। तो रणवीर हमें जानकारी दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ऑफिस खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि शाम तक कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो जाएं। जाहिर है मामला अब सियासी रंग भी ले चुका है क्योंकि जो मृतक है वो स्मृति ईरानी के करीबी थे, सुरेंद्र सिंह पूर्व प्रधान, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्यारा जो भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, सुरेंद्र सिंह नाम के पूर्व ग्राम प्रधान की, सक्रिय कार्यकर्ता थे, जश्न मनाने के बाद रात में उनकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ जानकारी आपको मिली और क्या सरकार कर रही है? देखिए, मैं घटना से दुखी हूँ। हमारा बहुत एक अच्छा कार्यकर्ता और जिसकी हत्या करने का काम जिन भी हत्यारों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई कठोरता से हो, शीघ्रता से हो, उसके लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए गए हैं और कार्रवाई हो रही है। मैं अपने उस कार्यकर्ता को बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ श्रद्धांजलि देते हुए कि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, और शोक संतप्त परिवार को इस अचानक इतने बड़े दुख का जो पहाड़ टूटा है उसको सहने की शक्ति दें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। तिवारी ने कहा कि योगी सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी रक्षा नहीं कर पा रही है।
बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। अमेठी, जहां से स्मृति ईरानी इस बार जीती, आपके अध्यक्ष को हराया, हालांकि वो एक अलग चीज है, वहां से एक दुखद खबर आ रही है सर कि स्मृति ईरानी की जीत के जश्न से लौट रहे एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। स्मृति ईरानी भी दिल्ली से अमेठी पहुंच रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, सांसद भी उन्हीं का, प्रतिनिधि भी, विधायक भी उन्हीं का। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करे कि अगर अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा सकती तो आम जनता कैसे बचाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है, पता लगाया जाना चाहिए, जो दोषी हो उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जयनेन्द्र, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।